नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ टर्निंग इन, और कार्ड ऑफ टर्निंग इन को हम कंपेयर कर रहे हैं द फोर ऑफ कप्स से। फोर ऑफ कप्स को पहले थोड़ा समझेंगे। फोर ऑफ कप्स में हम देखते हैं कि एक आदमी जो है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसकी नज़र जो है उन तीन कप्स पे है जो उसके आगे पड़े हुए हैं, और चौथा कप जो है उसको गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है जिसको वो इग्नोर कर रहा है, जिसकी तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। अब इस कार्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। कुछ टैरो रीडर्स इसका मीनिंग इस तरह से करते हैं कि इस आदमी की नज़र जो है उन तीन कप्स के ऊपर फिक्स्ड है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है उन कप्स के साथ, उन चीज़ों के साथ, उन इमोशंस के साथ जिनके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसके आसपास की चीज़ें जो भी उसको दी जा रही हैं या फिर उसके आसपास जो भी उसको ऑफ़र की जा रही हैं वो उससे बेखबर है, वो उनको देख नहीं पा रहा है। और दूसरा जो एक और मीनिंग जो इसके अंदर निकलता है वो ये कि एक ऐसी स्थिति कि जब आप अपने भीतर जो है मुड़ना शुरू कर रहे हैं, कि जब आप जो है आप थोड़ा सा अपने भीतर जाने के लिए तैयारी दिखा रहे हैं, कि अब आप जो है एक ध्यान की यात्रा शुरू करना चाह रहे हैं, कि अब आप बाहर की वस्तुओं से और जो आपको ऑफ़र की जा रही है उसके अंदर जो है अब आप उससे थोड़ा दूर हट रहे हैं, जिसके कारण जो है अब आप अपने भीतर जाना शुरू कर रहे हैं। अगर हम ओशो ज़ेन टैरो के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं इस कार्ड को, तो जो सेकेंड मीनिंग जो मैंने आपको बताया है वो ज़्यादा ठीक बैठेगा अगर हमने उसको जो है ओशो ज़ेन टैरो के साथ बैठाना है तो। लेकिन अगर हम इसका फिज़िकल मीनिंग ले, इस कार्ड को अगर अच्छे से समझे, तो एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जो हैं किन्हीं चीज़ों से अपने जीवन में अटैच्ड हैं। वो चीज़ें भी हो सकती हैं, वो प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ बहुत ज़्यादा जो हैं अटैच्ड हैं। और एक ताकत जो है वो आपको रिमाइंड कराने की कोशिश कर रही है, वो आपको जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं तो उस फिगर के अंदर जो है वो जो है अपना हार्ट क्लोज करके बैठा हुआ है, दोनों उसने अपने जो हाथ जो हैं फोल्ड करे हुए हैं। तो ये ध्यान की स्थिति तो नहीं है। ध्यान की स्थिति के अंदर जो है आपका जो है हृदय खुला होता है और आपका जो है चेस्ट एरिया ओपन होता है, आप उसको कवर नहीं करते हैं। तो ये एक छोटा सा मीनिंग था फोर ऑफ कप्स का। अब हम बात करते हैं ओशो ज़ेन टैरो के द कार्ड ऑफ टर्निंग इन। टर्निंग इन अपने आप में एक बहुत ही एक सुंदर कार्ड है। अगर हमने ध्यान का कार्ड चूज करना हो ओशो ज़ेन टैरो की सीरीज में, तो वो है द कार्ड ऑफ टर्निंग इन, कि फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे आप अपने भीतर की यात्रा शुरू कर रहे हैं। और आप जब इस इमेज को देखते हैं तो इस इमेज में यही दिखाया गया है कि ये जो लड़की है उसने अपनी जो है भीतर की यात्रा शुरू कर दी है। उसके चेहरे पे जो है एक हल्की सी मुस्कान है, उसकी आंखें बंद हैं और आंखें बंद करके वो अपने भीतर जो है अपने तीसरे नेत्र की तरफ वो देख रही है। और हम आसपास एक ऐसी इमेजेस देखते हैं कि जैसे कि भूत प्रेत जो हैं उसके आसपास घूम रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये प्रोसेस है जब आप ध्यान की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जब आप अपने भीतर जो है जाना शुरू कर रहे हैं, और ये जो भूत प्रेत जो आपको दिखते हैं ये और कुछ नहीं, वो विचार हैं जो आपसे घिरे हुए हैं। जब आप अपने भीतर की आंख बंद करते हैं तब आपको दिखता है कि कितने विचारों से आप घिरे हुए हैं, कितना कुछ आपके आसपास चल रहा है, कितने भूत प्रेत आपके साथ चिपके हुए हैं। उसको भूत प्रेत कहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि वो आपसे चिपक जाते हैं। ये जो विचार हैं ये डिज़ायर्स के विचार हैं, और ये डिज़ायर्स जो हैं एक ज़िंदा व्यक्ति के आसपास घूमते हैं लाश की तरह, क्योंकि ये इनको जीवन चाहिए और इनको जीवन सिर्फ आप दे सकते हैं। और जैसे ही आपने कोई विचार चूज़ करा, जैसे ही आपने एक इन विचारों में से एक को जीवन दिया, तो आप ध्यान से च्युत हो जाते हैं, आप ध्यान से दूर हो जाते हैं।
ध्यान की स्थिति कुछ ऐसी है कि जहाँ पे आप एक भी विचार के साथ नहीं होते हैं, आप एक साक्षी भाव की तरह उन सब विचारों को विटनेस कर रहे होते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं। ना कोई विचार अच्छा है, ना कोई विचार बुरा है, बस आप उनको देख रहे हैं। और उस देखने को ही हम ध्यान कहते हैं। कि जब आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं कि अब आप किसी विचार के साथ जो हैं उसके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आप अपने भीतर जमे हुए हैं, आपके अपने भीतर जो एक वो जो आपका एक सुख का वो जो एक पद है उसमें आप बैठे हुए हैं, उसी को हम ध्यान कह रहे हैं। तो जब आपकी बाहर की ऊर्जा वो जो विचारों के साथ जुड़ी हुई थी, जब वो आपके भीतर आनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम ध्यान की प्रक्रिया कहते हैं। इन विचारों को कुछ ऐसे ही देखना है जैसे कि रोड पे ट्रैफिक चलता हो। रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, उसको आप देखते, उसको आप, वो आपको दिख भी रहा है लेकिन आप उसके प्रति रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, उसको आप वैसे ही जाने दे रहे हैं जैसे वो जा रहा है। तो विचार भी कुछ ऐसा ही ट्रैफिक है आपके भीतर कि जिसको आपको जाने देना है, उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं करना है। तो सही अर्थों में एक ध्यान की प्रक्रिया कुछ ऐसी है जहाँ पे आप कुछ नहीं करते हैं, कि जहाँ पे आप सिर्फ देखने वाले होते हैं। ध्यान कोई मंत्र उच्चारण नहीं है, ना ही आसन या प्राणायाम है, ना ही कोई स्पेशल एक्टिविटी जिसको आप करके आप कहें कि वो ध्यान है। ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं, इनको यूज़ करके आप एक ऐसी स्थिति में पहुँच सकते हैं कि जहाँ पे ध्यान की प्रक्रिया जो है आपके साथ शुरू होती है। तो ध्यान यानि सिंपली देखना, सिंपली विटनेस करना, सिंपली होना, जहाँ पे आप हैं जैसे हैं उसका पूरा स्वीकार। ध्यान कुछ ऐसा समझिए कि एक ऐसी पानी की बॉटल जिसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, आपने उसको अच्छे से हिला दिया, अब पूरी पानी की बॉटल जो है मिट्टी से भर गई, लेकिन आप उसको जो है एक जगह पे रख दीजिए और आप देखेंगे कि जो उसकी मिट्टी है वो धीरे धीरे जो है वो सेटल होने लग गई, वो नीचे ज़मीन पे आके बैठ गई, जो पानी जो था वो क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। तो ध्यान की स्थिति कुछ ऐसी है कि जो आपके भीतर के जो विचार हैं, वो जो मिट्टी है आपके भीतर, वो जब सेटल होने लग जाती है, वो जब बैठने शुरू हो जाती है, तब ध्यान की स्थिति आपके भीतर बननी शुरू होती है। तो उस शून्य में रहना, उस ऐसी स्थिति में रहना जहाँ पे आप सिर्फ देखने वाले हैं, कि आप सिर्फ विटनेसिंग में हैं, कि आप सिंपली वहाँ पे हैं, उसको हम ध्यान की यात्रा कहेंगे, उसको हम कहेंगे टर्निंग इन। और ओशो इस कार्ड के बारे में बोलते हैं कि टर्निंग इन जो है एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे आप कोई टर्निंग इन नहीं कर रहे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं मुड़ नहीं रहे हैं, आप सिंपली जो है वो जो एक डिज़ायर के पीछे भागते थे, आपने उस डिज़ायर के पीछे भागना बंद कर दिया है। क्योंकि जब जब आप उन डिज़ायर्स के पीछे भागते थे, आपको फ्रस्ट्रेशन, टेंशन और पूर्ति तो होती नहीं थी। इच्छा का स्वभाव ऐसा है कि उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती है, पूर्ति होती हुई दिखती है लेकिन भीतर जो है फिर भी जो है कुछ ऐसा है जो भरता नहीं है। इस सत्य को देख लेना, इस सत्य को समझ लेना, इस सत्य का आपके जीवन में उतर जाना कि इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं, कि ऐसा कभी भी एक पॉइंट नहीं आता जब आप कह सकें कि मेरी इच्छाएं जो हैं पूरी हो गई हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 खड़ी हो जाती, नहीं, जब वो 10 आप पूरी करेंगे तो 100 और खड़ी रहेंगी और उनको पूरा करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाती कि आपकी मृत्यु तो हो ही जाती है। तो संसार में रहता हुआ व्यक्ति जो इस फैक्ट को नहीं समझता, जो इस बात को नहीं समझता कि इच्छा दुष्पूर है, कि इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती, तो मृत्यु जब आती है उसके जीवन में तो वो अतृप्त ही मरता है। इस बात को समझ लेना, इस बात को जान लेना, जब ये ज्ञान जो है जब आपके भीतर आना शुरू होता है तो एक बहुत एक नेचुरल जो है एक स्टेट ध्यान की अपने आप एक अंदर भीतर उठनी शुरू होती है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि दैट दिस पर्सन इज टर्निंग इन,
कि ये व्यक्ति जो है अब अपने भीतर जो है जान उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी, कि ये व्यक्ति ने जो है अपने भीतर मोड़ लिया, कि इसने यस दैट ही हैज टर्न्ड इन, नहीं वो वहीं पे था, वो सिंपली जो था वो उन डिज़ायर्स के पीछे भाग रहा था, अब उन डिज़ायर्स के साथ उसने जो है एक गैप बना लिया, एक डिस्टेंस बना लिया। और जैसे ही आप जो है उस डिज़ायर्स के साथ, उन विचारों के साथ जैसे ही एक डिस्टेंस क्रिएट होता है, वैसे ही आप अपने आप को ध्यान की स्थिति में पाते हैं कि दैट यू आर ऑलरेडी टर्न्ड इन, कि आप ऑलरेडी जो हैं अपने भीतर ही हैं। और जितने ज़्यादा जो हैं आप इन फिज़िकल और जितने ज़्यादा जो हैं आप इन डिज़ायर्स के साथ अटैच होते हैं, जीवन में उतना ही दुख, उतनी ही परेशानी आपके साथ घटती है। जितने कम से कम डिज़ायर, जो ज़रूरतें हैं लाइफ की, अगर आप उन्हीं की तरफ अगर आप ध्यान दें तो जीवन जो है बहुत लाइट हो जाता है, जीवन बहुत रिलैक्स हो जाता है। आप जीवन को एक ऐसी स्थिति देते हैं कि वो उड़ सकता है, क्योंकि डिजायर कुछ ऐसा ही है कि आपने अपने पैरों पे पत्थर बांध लिए। डिजायर का मतलब क्या हुआ कि आप जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, उससे खुश नहीं है, आपको कुछ और चाहिए। जब तक कि वो नहीं मिल जाएगा तब तक आप खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, बिल्कुल तृप्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं। जो फिज़िकल नीड्स हैं, जो जो शरीर की जो ज़रूरतें हैं, खाना पीना, पैसा कमाना, इस जीवन को चलाने के लिए जो भी चाहिए, वो तो वो ज़रूरतें कुछ ऐसी हैं कि जो बेसिक हैं, जो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब आप बेसिक से जब बाहर जाते हैं, दुख जो है वहीं से शुरू होता है, जीवन जो है भारी होना वहीं से शुरू होता है। इसलिए जितना जीवन जो है इच्छाओं से मुक्त होगा, उतने ही ज़्यादा जो है आप उस ऊंचे आकाश में उड़ पाएंगे, उतना उस परमात्मा के नज़दीक आ पाएंगे, उतना आप लाइट हो पाएंगे। इसलिए अगर इन दोनों कार्ड्स को अगर कंपेयर करें तो फोर ऑफ कप्स जो है, जो राइडर वेट का कार्ड है, अगर हम उसका जो है ये मीनिंग लें कि व्यक्ति जो है अब एक ध्यान की स्थिति में आ रहा है, एक ध्यान की यात्रा जो है शुरू कर रहा है, तो हम उसको ज़रूर कह सकते हैं कि वो एक टर्निंग इन की स्थिति बन रही है। और जब हम बात करते हैं टर्निंग इन की, वहाँ पे सिंपली एक प्योर मैसेज यही है ध्यान का, मेडिटेशन का, कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे हो जाएं, और अपने आसपास के जो विचार हैं, जो भूत प्रेत जो आपके आसपास इकट्ठे हो रखे हैं, उनको बिल्कुल ऊर्जा देना बंद कर दें, अच्छा या बुरा कहना बंद कर दें। वो जहाँ हैं, जैसे हैं, उनको वैसे ही रहने दीजिए, और उस स्थिति में आप देखेंगे कि ध्यान की स्थिति आपके भीतर घटनी शुरू हो गई। एक कहानी मैंने पढ़ी है, ये कहानी जो है एक जेन स्टोरी है। इस स्टोरी में एक आदमी जो है एक पहाड़ के टीले पे खड़ा हुआ है, और तीन लोग जो हैं उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए उसके बारे में सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति कर क्या रहा है। वो व्यक्ति जो जो पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है, वो इतना स्टिल है कि वो बिल्कुल ना मूव कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ा हुआ है, बस देख रहा है। तो इन तीनों में से एक कहता है कि ये ज़रूर अपने गाय के लिए वेट कर रहा होगा, अपनी गाय इसकी जो है चारा चरने गई होगी, उसी का वेट कर रहा है। दूसरा कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आई एम श्योर ये जो है अपने दोस्त का वेट कर रहा है, क्योंकि अगर गाय का वेट कर रहा होता तो ज़रूर इधर उधर देखता, उसको ढूंढने जाता, लेकिन ये तो एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, तो ये ज़रूर अपने दोस्त का वेट कर रहा है। फिर तीसरा बोलता है नहीं नहीं तुम्हें भी नहीं पता, ये आदमी वहाँ खड़े होकर ध्यान कर रहा है, क्योंकि अगर ये अपने दोस्त का वेट कर रहा होता तो ज़रूर उसकी राह देखता, कम से कम इधर उधर तो देखता ना, कम से कम अपनी घड़ी की तरफ देखता कि मेरा दोस्त कब आएगा,
तो तीनों में बहस छिड़ गई। तो तीनों ने डिसाइड करा कि चलो हम उसी से जाके पूछ लेते हैं कि भाई वो कर क्या रहा है। तो जब वो उस व्यक्ति के पास गए तो पहले ने पूछा कि क्या आप अपने गाय का वेट कर रहे हैं जो चारा चरने गई हुई है, और उसी का वेट कर रहे हैं? तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कोई गाय का वेट नहीं कर रहा। तो दूसरा बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना, इसका मतलब आप अपने मित्र का वेट कर रहे हैं, अपने मित्र की राह देख रहे हैं। तो वो व्यक्ति तो दोबारा बोलता है कि नहीं, मैं किसी की राह नहीं देख रहा। फिर तीसरा बोलता है कि देखा, मैंने कहा था ना, इसका मतलब आप ध्यान कर रहे हैं वहां पे खड़े होके। तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं ध्यान भी नहीं कर रहा। तो फिर वो तीनों बोलते हैं कि अगर आप इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खड़ा हुआ अपनी जगह पे। जेन कल्चर जो है, ध्यान को सिर्फ होना बताता है कि जिस स्थिति में आप सिंपली हैं, वहाँ कुछ भी ना कर रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना किसी का वेट कर रहे हैं, ना किसी ध्यान की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वहाँ सिंपली आप हैं। उसी स्थिति में होने को जो है हम टर्निंग इन कहते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन द कार्ड ऑफ टर्निंग इन ऑफ ओशो ज़ेनटारो। इस वीडियो के थ्रू मैं यही आशा करूंगा आप सबके लिए कि आपके जीवन में भी वो टर्निंग इन की जो स्थिति है, आप उसको डिस्कवर कर सकें, कि आप उसको जी सकें, कि आपके आसपास के जो वो विचार हैं, वो जो भूत प्रेत जो चिपके हुए हैं, वो आपसे जो है डिस्टेंस बना सके। जितना डिस्टेंस क्रिएट होगा, जितने आप अपने भीतर जाएंगे, उतना आप जो है उस प्रकाश के साथ जुड़ते हैं, उतना आप जो है उस परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। तो इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।